नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वीरेंद्र पाठक है। मैं प्रयागराज की विरासत और उसकी संस्कृति पर शोध करता हूँ। सनातन धर्म में आपकी आस्था है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा और तीन माधव के बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। देखिए, प्रयागराज में जल ही देवता है। वैदिक समय में पंच महाभूत को ही प्रतीक स्वरूप देवता माना गया और प्रयागराज नगरी नहीं है। सप्तपुरी में इसका नाम शामिल नहीं है, यह तीर्थराज है। यहां के देवता माधव हैं। माधव यानी भगवान विष्णु। प्रलय में भी यहां का अंत नहीं होता। यहां एक अक्षय वट की बात आती है और उसी पर भगवान विष्णु विराजते हैं। इस अक्षय वट का जिक्र वेनसांग तो करता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक दुविधा है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि भरद्वाज राम लक्ष्मण सीता को जब चित्रकूट का रास्ता बताते हैं तो वह कहते हैं कि यमुना के पार दक्षिण तट पर उतरने के थोड़ी दूर आगे चलने पर एक बड़ा विशाल श्यामवट मिलेगा जहां पर ऋषि विश्राम करते हैं, वहां प्रणाम करके तब आगे जाना। चलिए अब हम तीन माधव का जिक्र कर लेते हैं। मूल ग्रंथ है मत्स्य पुराण के पातालखंड प्रयाग महात्म में सबसे ज्यादा जानकारी प्रयागराज के बारे में दी गई है। जब मैं माधव के मंदिर के पुजारी या संबंधित प्रबंधकों से मिला और उनसे जानकारी चाही कि आखिर ये मंदिर का उल्लेख शास्त्र में कहाँ है, सबने पुराणों का जिक्र तो किया किंतु सटीक स्थान उसमें नहीं लिखा है। स्थान सटीक हो भी कैसे, क्योंकि स्थान का जिक्र तो संगम और अक्षयवट से निर्धारित है। अब लोगों ने उस दिशा को कहीं से भी ले लिया, जबकि उसका निर्धारण किस क्षेत्र में किस दिशा में कौन से माधव हैं, इसका निर्धारण शास्त्र में संगम तथा अक्षयवट से है। भो भो ब्रह्मसुता यूयं शृण्वन्तु प्रणिधानतः तस्य क्षेत्रस्य भिक्षस्य स्वरूपं पुरुषस्य च प्रयागं वैष्णवं क्षेत्रं वैकुण्ठादधिकं मम वृक्षोक्षयवटस्तत्र मदाधारो विराजते मूले यः पुरुषो दृष्टः सोऽहमक्षय माधवः वटमाधव नामापि मूलमाधव इत्यपि एवं त्रिनामा तत्राहं वसाम्यक्षय पादपे ब्रह्मादिभिः सुरैः सर्वैः सहितस्तीर्थनायके सर्वविघ्न विनाशार्थं भक्तानां कार्यसिद्धये दिग्विधिच्छन्न्य रूपेण चाष्टनामा वसाम्यहं शंकरचक्र गदा पद्मानंत बिंदु मनोहराः असीमाधव इत्यष्टौ मंत्रनामा मन्नामानि निबोधत संकष्ट हर रूपेण भक्त संकष्ट नाशने सर्वतो सर्वदा तिष्ठे यथा कार्यं भ्रमन्नहं बेणी माधव नामाहं गंगा यमुन संगमे मुख्यो वसामि भक्तानां धर्म कामार्थ मोक्षदः सर्वरूपाणि संहित बालरूपो धरस्ततः ब्रह्मांड मुदरे कृत्वा सहितोक्षय पादपे तत्राहं तस्याहं कल्पवृक्षस्य स्वरूपं वेद्मिना परः प्रपंचे बीजभूतस्य तद्वा सर्वे निरूपितम्। भगवान विष्णु के पास ऋषिगण पहुंचे और वह प्रयाग के वट वृक्ष क्षेत्र से होकर गए थे।
उसकी महिमा का बखान करते हुए वह कहते हैं, सुवर्ण के समान उसके पत्ते हैं, फल मीठे हैं, वह दूर के समान उसकी छाया है, उसका अंत नहीं है, उसके मूल में कोई पुरुष है, वह तेजस्वी है, चतुर्भुज मालाधारी श्याम वर्ण एवं पीताम्बर धारी है। उसको देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोग विचरण करते हुए आपके पास आए हैं, आप उसका तत्व कहें। ऋषियों की यह बात सुनकर श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्रों, आप लोग सावधान होकर सुने। उस क्षेत्र के वृक्ष का स्वरूप तथा पुरुष के विषय में मैं कहता हूँ। प्रयाग मेरा क्षेत्र है, वह मेरे लिए वैकुंठ से भी अधिक है। यहाँ अक्षय वट है जो मेरा आश्रय है। मूल में जो पुरुष आप लोगों ने देखा वह मैं अक्षय माधव हूँ। उस पुरुष को वट माधव और मूल माधव भी कहते हैं। इस प्रकार तीन नाम धारण करके मैं वहाँ पर रहता हूँ। तीर्थराज में वहाँ ब्रह्मा आदि देवता रहते हैं। सब विघ्नों को नाश करने के लिए और भक्तों की कार्य सिद्धि के लिए दिशा विदिशाओं में अन्य रूपों में 8 नाम धारण करके मैं वहाँ पर रहता हूँ। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ प्रतिमाओं का बनना शुरू हुआ। यह कालखंड लगभग यही है। लगभग 2000 साल से पहले यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे चीनी यात्री वेनसांग ने देखा और लिखा भी। समय थोड़ा और पहले भी जा सकता है, क्योंकि जब वह आता है तब पूजा हो रही होती है। इसके पहले वाल्मीकि रामायण में प्रयागराज का जिक्र मिलता है, किंतु वहां पर कहीं पर किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। इसके पीछे और हम जाते हैं तो ऋग्वेद के परिशिष्ट में प्रयागराज का उल्लेख है, किंतु वहां पर श्वेत और श्याम धाराओं के मिलन की बात ही सिर्फ लिखी गई है। मत्स्य पुराण के पातालखंड और प्रयाग महात्मा में बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ की कई चीजों का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक स्थिति भी बताई गई है, यहाँ के देवता भी बताए गए हैं और यहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं इसका भी उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ में जो उल्लेख है वह कई चरणों में लिखा गया है। यहाँ की महिमा का बखान बहुत हुआ है, लेकिन इस ग्रंथ का काल निर्धारण मुश्किल है। इसमें दो देवताओं का उल्लेख प्राथमिकता के आधार पर है, बारह माधव के जिक्र को छोड़कर। पहला है श्री गणेश के विग्रह का और दूसरा ललिता देवी के विग्रह का। इन दोनों के मंदिर की बात है, किंतु यह कहां स्थित है इसका जिक्र उस समय की स्थान के अनुसार किया गया है, किंतु यह जब का जिक्र है उस समय के बाद से संगम और नदियों का तट बदल गया है। इस तरीके से हम यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यह दोनों मंदिर कहां हैं। गणेश जी के मंदिर का कोई पता नहीं है। एक गणेश का मंदिर राजा टोडरमल की हवेली में मिलता है, किंतु यह बहुत बात का है, इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि गणेश का जो मंदिर हमारे शास्त्रों में बताया गया है वह मंदिर यह नहीं है। शाक्त परंपरा के सिद्धपीठ मां ललिता देवी के मंदिर का जिक्र आता है। इसमें एक अलोपी देवी मंदिर अलोपी बाग, कल्याणी देवी मंदिर कल्याणी देवी, तीसरा ललिता देवी मंदिर मीरापुर क्षेत्र में है।
आज प्रयागराज में कुछ मंदिरों का जिक्र मिलता है, इनका नाम जोर शोर से लिया जाता है, लेकिन 2000 साल पहले इनका कोई जिक्र ना कोई यात्री जो प्रयागराज आया और जिसने अपनी डायरी लिखी, अपने घूमने के स्थानों का जिक्र किया, कुछ नहीं लिखता। चीनी यात्री अक्षय वट और वहां पर हो रही उस समय की पूजा का जिक्र करता है। उस समय की बसावट दारागंज से लेकर नैनी ब्रिज तक अधिकतम थी। इस हिसाब से बस्ती के बीच मंदिर होने की बात इसी मंदिर होने का जिक्र समझ में आता है। यह मंदिर अक्षय वट और जिसे अब पातालपुरी मंदिर हम जानते हैं, यह यही लगता है जिसका उल्लेख वेन सांग ने अपनी डायरी में किया है। अकबर ने जब किला बनाया उस समय और उसके बाद भी अक्षय वट को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया गया। अकबर ने यहां पर जो मूर्तियां थी उसको उठाकर तहखाने में रखा दिया, जिसे बाद में खोला गया। यह मूर्तियां कुछ विचित्र विग्रह के साथ हैं, ऐसा लगता है कि कुछ का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, लेकिन कुछ प्रतिमाओं का जिक्र अकबर के समय हुआ है और यह भी जिक्र मिलता है कि उसे उठाकर तहखाने में रखा दिया गया है। वर्तमान समय में यह मंदिर खोल दिया गया है और अक्षय वट का भी आप दर्शन कर सकते हैं। पहले यह सेना के कब्जे में था, किंतु अब वर्तमान सरकार के प्रयास से श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए मिल रहा है। यह अक्षय वट वही अक्षय वट लगता है और कुछ विद्वान इसे मानते भी हैं, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में श्याम वट के रूप में आया है। इस तरह हम यह बात दस्तावेजों इतिहास का अध्ययन करने के बाद कह सकते हैं कि प्रयागराज में पूजा और मंदिर का जो पहला जिक्र मिलता है, जिस मंदिर का मिलता है, वह अक्षय वट और पातालपुरी का मंदिर है। यह माधव का स्थान भी है।